हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नो असाइनमेंट गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने असाइनमेंट को जो है ऑनलाइन सबमिट कराना चाहते हैं एंड उनके जो असाइनमेंट बन चुके हैं अब जो है वो अपने ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं। पीडीएफ वगैरह अगर आपने सब कुछ बना लिया है सो उनको बट एक प्रॉब्लम आ रही है, वो जब भी अपने रीजन सेंटर की वेबसाइट पे मेल करते हैं या फिर गूगल फॉर्म को भरते हैं तो वो जो है सबमिट नहीं हो पाता है, वो जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है एंड आप जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं उसी के बारे में जो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक और बात करने वाले हैं कि क्यों आपको कोई अपने कहीं से हैंड रिटन असाइनमेंट की पीडीएफ को परचेज करके सबमिट नहीं कराना चाहिए इग्नू में, इसके ऊपर भी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो तो यही है कि आप अगर अपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनको मेल करना होगा। बट आपको बता दूं, यूनिवर्सिटीज में जो है आपके जो भी आपका रीजनल सेंटर होता है उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सो आपके जीमेल पे एक लिमिट होती है कि आपका जो है इनबॉक्स एक टाइम पे फुल हो जाता है। अगर आपका इनबॉक्स जो है फुल हो जाता है तो आप जो है मेल रिसीव नहीं कर पाते हैं। सो यही प्रॉब्लम जो है इग्नू के साथ हो रही है और ये जो है काफी सारे रीजनल सेंटर के साथ प्रॉब्लम हो रही है। आप सभी ने नोटिस किया होगा अगर आपके रीजनल सेंटर पे वो जो है बार बार अपनी ईमेल आईडी को जो है चेंज कर रहे हैं। सो यही रीजन है ईमेल आईडी चेंज करने का या फिर गूगल फॉर्म को चेंज करने का कि उसके जो है जो भी लिमिट है, एक आपको जो है स्पेसिफिक लिमिट दी होती है, वो जो है फुल हो चुकी है। सो यही रीजन है कि आप जो है अभी इग्नू को मेल नहीं कर पा रहे अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे अपने असाइनमेंट। सो बात कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो इसका सोल्यूशन आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ वेट करना होगा कब तक आपके रीजनल सेंटर वाले आपकी जो है न्यू जीमेल आईडी या फिर आपका जो है न्यू गूगल फॉर्म जो है अपडेट करते हैं। वो जैसे आपके न्यू ईमेल आईडी डालेंगे या फिर गूगल फॉर्म के लिंक डालेंगे आप जो है उसके बाद अपने असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। याद रखिएगा एक चीज और, अगर आपने पहले से अपने असाइनमेंट सबमिट कर रखा है या फिर आपने पहले अपना एक मेल कर दिया था सक्सेसफुल हो चुका था वो मेल, तो आपको जो है उसको दोबारा नहीं करना है, आपको बस असाइनमेंट एक बार ही अपने मेल पे या फिर गूगल फॉर्म से भरने होंगे। एंड आपके पास चॉइस नहीं है कि आप क्या सिलेक्ट करना है। आपको बता दूं, आपके रीजनल सेंटर वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे ईमेल आईडी, आपको उसी पे ही, मतलब आपको अपनी रीजनल सेंटर की ईमेल पे नहीं, जो ईमेल आईडी आपके रीजनल सेंटर वाले प्रोवाइड कराएंगे अपने वेबसाइट पे जो भी वो नोटिस लगाएंगे उसमें जो भी आपकी ईमेल लिखे होंगे आपको जो उस पर सेंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस आपकी आपकी रीजनल सेंटर की वेबसाइट, आपको जो सा भी सेंटर है, मान लीजिए दिल्ली वन का है, सो आपको आरसी दिल्ली वन को दिल्ली वन का रीजनल सेंटर ओपन करना है। वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा अपना अलर्ट सेशन में या फिर अनाउंसमेंट में, आपको कहीं पे भी उनका एक नोटिस मिलेगा वहां पे जो है आपको ओपन करना होगा। वहीं पे आपकी जो है गाइडलाइंस लिखी होंगी और साथ में लिखा होगा कि आपको जो है कौन सी ईमेल पे अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। अगर वो आपकी ईमेल फुल हो जाती है सो आपके जो है रीजनल सेंटर वाले उसको भी जो है कुछ दिनों में अपडेट कर देंगे। सो अगर आपका अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा है, ईमेल जो है फुल बता रहे हैं, सो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है कब तक जो है आपका दूसरा ईमेल वो अपडेट करें, क्योंकि इनबॉक्स फुल हो जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। चलिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं आपको बता दूं अभी के लिए क्या चल रहा है कि आपको जो है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने हैं। सो काफी सारी वेबसाइट्स है या फिर काफी सारे लोग जो है वो आपके हैंड रिटन असाइनमेंट के आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि आपको जो है अपने हैंड रिटन असाइनमेंट की पीडीएफ जो है बना के दे रहे हैं आपको 200-200, 300-300 रुपए में, जिससे कि आप पर कोर्स 200 या 300 रुपए के आपको पर कोर्स दे रहे हैं, जिससे कि आप जो है सिंपली अपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे, आपको बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं है। बट आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज काफी सारे रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपसे जो है फ्यूचर में वो हार्ड कॉपीज आपके असाइनमेंट की मंगा सकता है या फिर आपके पास मैसेज आ रहा है, जैसे कि आरसी नोएडा की बात कर ले तो उनके पास जो है मैसेज आ रहा है कि आपको जो है अपने हार्ड कॉपी को अपने पास संभाल के रखना होगा, वो जो है फ्यूचर में आपसे इग्नू उसकी डिमांड कर सकता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आईग्राम इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जो है मेल देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू आर एडवाइजरी टू रिटेन द सेंड ईमेल एज प्रूफ ऑफ योर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। जो भी आपने मेल किया होगा आपको जो है उसको प्रूफ के लिए रखना होगा कि आपने जो है असाइनमेंट सबमिट कर दिए थे। एंड नीचे आप देख सकते हैं सिंस यू आर सेंडिंग बाय ईमेल सो यू हैव द कॉपी ऑफ सेंट मेल इन योर सेंट फोल्डर, सो आपके पास जो उसकी कॉपी होगी जो भी आपने ईमेल सेंड किया होगा। उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, ऑल्सो रिटेन द हैंड रिटन हार्ड कॉपी ऑफ द असाइनमेंट विद यू फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। उसका सिंपल सा मीनिंग है, आप सभी को पता होगा, देखिए इग्नू जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसका अगर इग्नू ने बोला है कि आप जो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपने असाइनमेंट, तो इग्नू को ये चीज नहीं पता चलेंगे कि काफी सारे स्टूडेंट जो है सेम ही असाइनमेंट भेज देंगे। और मान लीजिए आपके 5 फ्रेंड्स है, आपके ग्रुप है, मान लीजिए आप बीसीए का असाइनमेंट बना रहे हैं या फिर मान लीजिए बीए का असाइनमेंट बना रहे हैं, आपका 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो उसमें से एक ने असाइनमेंट बनाया तो आप जो है पांचों के पांचों सेम असाइनमेंट ही सबमिट कर देंगे। ये चीज इग्नू ने जरूर सोची होंगी,
सो इसीलिए जो है ये मैसेज आप सभी के पास आ रहा है। एंड मेरे को लगता है कि कुछ दिनों में सभी रीजनल सेंटर के पास, रीजनल सेंटर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो है मैसेज आ जाएगा। सो अगर आप कहीं से परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे ही वेस्ट होंगे, क्योंकि इग्नू जो है आगे चल के आपसे हैंड रिटन आपके हार्ड कॉपीज की जो है डिमांड कर सकता है। तब आपको जो है दोबारा अपने असाइनमेंट जो है पूरे बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका लॉस ही होगा। सो मेक श्योर आप जो है ऐसे चक्करों में ना पड़े, आप जो है सिंपली अपना टाइम ले, बिकॉज आपके असाइनमेंट सबमिशन की डेट जो एक्सटेंड कर दी गई है। एंड मे बी आपकी जो है आगे भी असाइनमेंट सबमिशन की डेट आगे एक्सटेंड की जाएंगी, बिकॉज एग्जाम को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। या फिर अगर आप अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं करा सकते, नहीं करा पाते, सो आप जो है नेक्स्ट सेशन में भी अपना असाइनमेंट को जो है सबमिट कर पाएंगे। सो आप जो जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से अपने घर पर बैठ के असाइनमेंट बनाइए, और उसको जो है आप अगर ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जो है सबमिट कर दीजिए, या फिर आप जो है बाद में अपने असाइनमेंट को जो है सबमिट कर दीजिएगा। बट अगर आप सोच रहे हैं कि परचेज करके आप कहीं से भी असाइनमेंट को सेंड कर देंगे इग्नू में, एंड बाद में चल के जो है आप ही को प्रॉब्लम होगी, आप ही का टाइम वेस्ट होगा, सो मेक श्योर आप कहीं से भी परचेज या फिर अपने फ्रेंड का असाइनमेंट जो है सेंड मत कर दीजिएगा। आराम से अपना असाइनमेंट बनाइएगा टाइम लेके।